अभी हम लोग कर्ता का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पूर्व क्लास में कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं और कारक विभक्तियों के बारे में पढ़ाई किए थे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। इसके लिए पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। एग्जाम्पल के लिए राम गच्छति, मोहन फलम खादति, सा चलचित्रम पश्यति। तो राम गच्छति एक वाक्य है, इसमें राम कर्ता है। मोहन फलम खादति में मोहन कर्ता है, सा चलचित्रम पश्यति में सा कर्ता है। यानी कि राम मोहन और सा इन पदों में प्रथमा विभक्ति लगी है, क्योंकि कर्तरी प्रथमा सूत्रानुसारेण कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसलिए इस सूत्र के आधार पर राम में, सा में और मोहन में प्रथमा विभक्ति लगी है। दूसरा सूत्र है कर्ता कारक का ही अभिधेय मात्रे प्रथमा। अब यहां प्रश्न है कि अभिधेय का मतलब क्या है। तो अभिधेय का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जैसे आपको अपना नाम बताना हो या किसी को किसी का नाम बताना हो, नाम की अभिव्यक्ति करना हो, तो नाम को व्यक्त करने के लिए, नाम बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अभिधान भी कहते हैं। तो अभिधेय मात्र प्रथमा सूत्र के आधार पर अभिधेय का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। और केवल नाम व्यक्त करना हो तो नाम के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। यानी कि कोई भी नाम हो, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो या नपुंसक लिंग का हो, तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए राम, गीता, श्याम, पुस्तकम, फलम, गृहम, पत्रम, पुष्पम इत्यादि। तो इस प्रकार से अभिधेय मात्रे प्रथमा सूत्र के आधार पर नाम को स्पष्ट करने के योग में, नाम को अभिव्यक्त करने के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। तीसरा सूत्र है संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा यानी कि किसी को संबोधित किया जाए, किसी को कुछ कहा जाए, बुलाया जाए, आवाहित किया जाए, तो आवाहित करने को, बुलाने को, कॉल करने के सेंस को संबोधन कहते हैं। और संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधने प्रथमा यानी कि संबोधन में यदि किसी को संबोधित किया जाए तो संबोधित करने के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हे राम यानी कि हे राम, अत्र आगच्छ यहाँ आओ, भो सीते पुस्तकम पढ़, हे सीते पुस्तक पढ़ो। तो अत्र हे राम भो सीते अजि ललने, अजि ललने अत्र तिष्ठ। तो इन सभी वाक्यों में हे राम भो सीते अजि ललने जो शब्द है, हे भो अरे अजि, यह संबोधन का चिन्ह होता है। तो यहां पर हे राम में प्रथमा लगी हुई है, भो सीते में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, अजि ललने में भी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो संबोधने प्रथमा सूत्र के आधार पर संबोधन कारक के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इस प्रकार से क्लास 6 to 9, क्लास 6 to 9 के लिए ये कारक है। 6 से लेकर के 9 तक के कक्षा में ये पढ़ना है। अब इसमें होमवर्क रहेगा, होमवर्क
कारक सूत्र, कारक सूत्रों को याद करें। यही होमवर्क रहेगा। तो आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे।